हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट सबोट। तो आज आप स्क्रीन पर इस व्यक्तित्व को, इस महान व्यक्तित्व को देख रहे हैं। ये इलॉन मस्क हैं। आई होप आपको तो सभी को पता ही होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे या न्यूज़ भी हल्का फुल्का देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी कुछ महीनों पहले बिल गेट्स को पीछे करके जो दुनिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति बने थे वो इलॉन मस्क ही थे। तो आज हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि करोड़पति किस उम्र में बना जा सकता है? या तो कोई पैदाशी करोड़पति बन सकता है, वरना इतना कमाते कमाते आदमी 60 पार तो कर ही जाता है। लेकिन कोई 45 साल की उम्र में करोड़ करोड़ों कमा ले, करोड़ भी एक या आधा नहीं, हजारों करोड़, तो जरूर उसमें कुछ खास बात होगा। और यही खास बात है हमारे इलॉन मस्क में। और इन जैसा व्यक्तित्व जो है, इन जैसा व्यक्ति को, इन जैसा कोई जीनियस मैं कह सकती हूँ, जीनियस हम कह सकते हैं कि इन जैसा सदी में कोई एक या दो ही जो है ऐसे इंसान पैदा होते हैं। आई थिंक कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि उन एक दो में से मैं भी एक हूँ, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते जो है हमें उनकी तरह थिंकिंग रखनी होगी, उनकी तरह टीम बनानी होगी खुद की, उनकी तरह जो है नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना होगा। तो ये सब जो है क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इलॉन मस्क के, वो सब जो है इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये खास बात ही उस शख्स की ताकत है कि 45 साल में 80,000 करोड़ की दौलत का मालिक है इलॉन मस्क। 45 साल की उम्र में 80,000 करोड़ की दौलत की संपत्ति के मालिक है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क सिर्फ 45 साल के हैं और उन्होंने अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 7 कंपनियां खोली हैं। जो अगर इलॉन मस्क, अगर आप फैन होंगे, आप जानते होंगे इनके बारे में, तो आपको पता होगा कि स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स, स्टारलिंक और ऐसे बहुत सारी बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स पर जो इलॉन मस्क काम करते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। तो फोर्ब्स उन्होंने 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में रखा था। फोर्ब्स एक हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में इलॉन मस्क का नाम रखा था। उनकी कंपनियों की कीमत लगाई जाए तो ये 80,000 करोड़ के पार है। लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। इलॉन ने जिंदगी के हर पड़ाव पर मुश्किलें देखी हैं और उन्हें पार किया है। कोई भी बिना संघर्ष के जो है महान नहीं बनता। तो सेम यही बात यहाँ इलॉन मस्क पर भी लागू होती है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि ये गॉड गिफ्टेड है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने उतना स्ट्रगल किया है, उतनी सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाके जो है ये आज इतने जो है निखरे हुए व्यक्तित्व हैं हम कह सकते हैं। तो इलॉन मस्क का जन्म जो है वो 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक इंजीनियर थे और माँ एक मॉडल थी। जब इलॉन 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए थे और इलॉन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे थे। तो शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, जब इनके माँ और पिता में जो है झगड़ा हो गया था, तब तो तलाक हुआ, तो इलॉन मस्क के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने जो है अपने पिता को चुना कि वो अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहेंगे। तो इसलिए जो है वो अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। और ये अलग बात है कि उन्हें बाद में इस बात का पछतावा था। बाद में उन्हें ऐसा लगता था कि वो अगर अपनी माता के साथ रहते तो वो और जो है ज़्यादा अच्छे से रहते। उनके दो छोटे भाई बहन भी थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इलॉन बचपन से ही बड़े शर्मीले किस्म के लड़के थे, जिसके कारण उन्हें कई बार परेशान भी किया जाता था। उनके स्कूल में बुलिंग की जाती थी। उनके जो क्लासमेट्स होते थे उनको जो है बहुत ही परेशान करते थे। एक बार तो उन्होंने इतना मार दिया था इलॉन मस्क को कि एक बार वो बेहोश हो गए थे। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वो शर्मीले टाइप के शांत स्वभाव के जो है व्यक्ति थे इलॉन मस्क अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो उनके साथ मारपीट तक की गई थी उनके स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन इलॉन ने इन सब से लड़कर खुद को स्थापित किया था। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए जो है उनके क्लासमेट जो थे वो उनके साथ बुलिंग किया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। कॉलेज में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कुछ कंपनियों में नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस क्षेत्र में डिग्री ना होने के कारण उन्हें वो नौकरी नहीं मिली। इसके बाद इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 कंपनी खोली। जिप2 जो है सबसे पहली कंपनी है इलॉन मस्क की, जिसे इन्होंने जो अपने भाई के साथ मिलकर खोला था। जिप2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी के खुलने के कुछ ही समय बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें CEO के पद से हटा दिया। कंपनी के बिकने के बाद उन्हें जो पैसे मिले उससे उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी पेपाल में लगा दी। पेपाल ये दूसरी कंपनी थी इलॉन मस्क की, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। इस कंपनी में भी एक अधिकारी से झड़प के बाद उनसे सीईओ का पद छीन लिया गया था। सीईओ का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता होगा तो सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन इन सभी दिक्कतों के बावजूद वो आगे बढ़ते गए। इलॉन का अगला मिशन था मार्स पर दुनिया बसाना, जो कि इनका सबसे जो है हट के जो अलग इनका आइडिया था। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा कीमतों ने उन्हें उनकी अगली कंपनी स्पेसएक्स खोलने के लिए प्रेरित किया। आज स्पेसएक्स अपने रॉकेट खुद बनाता है और उसे अंतरिक्ष में भेजने का काम भी स्वयं करता है। तो देखिए क्या हुआ था कि इलॉन मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद जो है मतलब रॉकेट बना पाए। और एक बार जब वो रसिया गए थे वो सैटेलाइट खरीदने के लिए,
लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे और उनका भी जो है वहाँ पर मजाक उड़ा दिया गया था। तो फिर इलॉन मस्क वापस आए जहाँ वो रहते थे, फिर वहाँ पर आकर उन्होंने सोचा कि अगर वो रॉकेट खरीद नहीं सकते तो उन्होंने खुद रॉकेट बनाने का जो है निर्णय लिया। सॉरी सैटेलाइट मैंने पहले बोल दिया गलती से, रॉकेट खरीदने गए थे वो, तो रॉकेट वो नहीं खरीद पाए। तो फिर आके उन्होंने जो है सोचा कि अगर हम उसको खरीद नहीं सकते, जैसे कि ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है ये ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको जो है एक चार्जर आपको बनाना है, तो अगर आप चार्जर खरीदते हैं, तो मान लीजिए आप 800 का एक चार्जर खरीदते हैं, 800 का, तो इनके पास उतने पैसे नहीं थे कि ये चार्जर खरीदे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, सोचा कि मैं 100 रुपये की बैटरी खरीद सकता हूँ, 50 रुपीज़ की जो है मैं बल्ब खरीद सकता हूँ, और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50 रुपीज़ की खरीद सकता हूँ, और इन सब पे जो है मैं बुक्स पढ़ के इन सब को जो है ये सब लगा के सिर्फ इतना इनपुट डाल के मैं एक चार्जर खुद तैयार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इनका इनका कितनी मनी लगी, यहाँ पर इनका मनी 200 लगा टोटल, और यहाँ पे इनको टोटल 800 देना था। यानी हम देख सकते हैं कि 4 गुना डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो इन्होंने अपने रॉकेट में लगाया, इन्होंने रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स खरीदे, और बहुत इनकी कोई इनके पास उसमें कोई रिलेटेड उससे डिग्री नहीं थी, इन्होंने खुद बुक पढ़ी, बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे ये, तो उससे जो है इन्होंने 10 साल की उम्र में इतने ज़्यादा बुक्स पढ़ लिए थे कि कोई ग्रेजुएशन करके भी जो जनरल इंसान होता है वो नहीं पढ़ सकता है, मतलब पढ़ सकता है लेकिन फिर भी मतलब वो जनरली जो नॉर्मल होता है वो नहीं पढ़ता है। तो खुद जो है इन्होंने बुक्स पढ़ा और खुद जैसे कैसे रॉकेट बनाया जाए ऐसा उन्होंने खुद पढ़ा, और खुद अपनी स्पेस एक्स कंपनी खोली और इससे जो है रॉकेट बनाने का सोचा। स्पेस एक्स के बाद इलॉन की अगली मंजिल थी इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला के। टेस्ला के सह संस्थापक इलॉन ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई टेस्ला में लगा दी। 2008 में ऐसा वक्त आया जब स्पेस एक्स और टेस्ला में वो अपनी जेब से पैसा लगा रहे थे, वो दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुके थे, मतलब वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उनके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं था, अपनी निजी जिंदगी वह दोस्तों से पैसा उधार मांगकर चला रहे थे। लेकिन टेस्ला के लिए की गई उनकी मेहनत आखिरकार सफल हुई और उन्हें मार्केट से फंडिंग मिलने लगी। आज उनकी दोनों कंपनियों की कीमत अरबों में है। अपने इनोवेशन से उन्होंने दुनिया को कई तोहफे दिए हैं और उसके लिए वह हमेशा जाने जाएंगे। उनका स्टारलिंक भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो कि वो आज एक स्टारलिंक ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में जो है फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराने के बारे में सोच रहे हैं। वो जो है ये उनका स्टार्ट हो चुका है और वो जो है कुछ हिस्सों में जो है वो फ्री वाईफाई फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आगे उन्होंने बोला है कि आगे आने वाले कुछ समय तक वो फ्री इंटरनेट पूरे अर्थ पर जो है प्रोवाइड कराएंगे। और भी बहुत सारे उनके प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है उनका, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप उनके बारे में बोलेंगे तो मैं जो आगे उनके हर प्रोजेक्ट पर मैं डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ। तो खैर आज के इस उनके इस बायोग्राफी में इतना ही, आई होप ये आप इनसे प्रभावित हुए होंगे। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में जो हम किसी एक ऐसे ही किसी फेमस पर्सनैलिटी की बायोग्राफी के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।